आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भारत एक कृषि प्रधान देश, यहाँ की अर्थव्यवस्था का लगभग सारा भार भारतीय किसानों के कंधों पे है। लेकिन आज वही किसान विवश है। क्यों? क्योंकि जमींदार, पूंजीपति और साहूकारों के द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण होता है। सच कहा जाए तो भारत का किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है। अरे भगवान, इका कर दे लू तू। आखिर सरकार हमार बसमतिया के जान लेके ही मल्लस। हमार पतोहू के हत्या भइल बा और ये हत्या ऐसा के जमींदार चटनी सिंह कैले भारत। चटनी सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लहसुन ए है ने सुन। जी सरकार। लहसुन पांडे के होते हुए चटनी सिंह के केहू बाल बांका कर सकेला? केहू नहीं सरकार। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तोड़ दो सबके। तोड़ देंगे। मुर्दाबाद। मेहरबान कदरदान साहिबान, कान लगा के सुनी, आग जमा के सुनी। जनतन भौजी, लगता ना कि असो हमार बिया ना होई। कहे हो? कहे से कि मुझो से बिया ना हमार दहेज के कुल कमाई लेके चल जाई। जी हाँ, सही सुनी गुलाबो रानी। आज रात अरे ना चाहिए पैसा उड़ाएंगे। अरे ता हम का मुंह देखा, हमू पैसा उड़ाई। गुलाबो रानी चाचा भूलिएगा मत। आ गए अपन लटका झटका दिखावे, हमने के मर्दन के 6 महीना के कमाई लूटे।
सबके काछ लिहन। चला चला का हो? सरकार प्रणाम। खुश रहा। कुल मुजरिम के पकड़ के लिए आल है, काल रात खूब लुटौले हमन कुल मलिया। ते कितना लुटौले बेटा? हम हाँ? कुछ ना जवन रहुआ देनी बाटे के वह बटन लिया। मनीम जी। जी सरकार। कैसन लागत हो? टॉप क्लास। ब्याज में लिख लो। भाग 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 भाग। अरे तो रात में आके भेष बदल के पैसा लुटावत रहले हो, चोरे हवे कारे। अरे ना कितना लुटौले? मात्र 7,000। 7,000 के लगभग 18,000। जाता नहीं। साफ साफ एक कहना कहता रे कि तू हमार भतार से मिले जाता रू। ए मोर मार के रख ले बड़ू का। चोखा हमार बड़े और हमरे रही हैं। एक बार और चोखा के नाम ले लू ना तो हम भूल जाए कि जलेबी नाम के भी हमार कोनो बहिन रहे। चोखा चोखा चोखा। आ तो बहुत बड़ा है। फिर हम करे लगलू जा। देखा जलेबी बड़ है इमरती, यही से पहले जलेबी जई है। ठीक बा? ठीक बा। पता नहीं दोनों के का हो जाएगा। पायला गो काकी। अरे जुग जुग जिया बिटिया, बैठा ना। लावा हम कर देता नहीं। अरे रहे दा हम कही ले। और बतावा कहाँ रहलू है इतना दिन? गैल रहनी ममेरी बहन के शादी में। अच्छा। पूरा 15 दिन बाद लौटनी है। तो सच में अपना दुलारी काकी से मिलाई। ये तो बहुत बढ़िया कहलू है तू। वैसे चोखा नहीं खेला होगा, शरारत नहीं खेल का। शहर से तो आ गई बा, बाकी हम जोन सोच के ओकरा के शहर भेजले रही है ना, वैसन भय नहीं। 15 साल शहर में रहला के बाद भी वो वैसन है बा जैसन लैकैया में रहे। पता ना इस जमाना में हमार लेका जी कैसे। जी ली ही एक आकी, तू ओकर चिंता मत करा। भगवान जकरा के बनावे लन ना ओकर तकदीरो उहे लिखे लन। पार्टनर एकदम जैसे बचपन में तहार एनर्जी रहे ना, जवानियों में एकदम वही बरकरार बा। शहर के धुआं पानी से तहार एनर्जी में कोनो फर्क नहीं पड़ा। आज हमरा गर्व होता, तू हमर पार्टनर हमारा पार्टनर। जानी पत्थर पिसने से कभी मैदा नहीं हुआ, और हमें हाथ लगा दे इस धरती पे कोई भाई। पैदा नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, हाँ पैदा नहीं हुआ। जानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो कभी लाइट जला के कपड़ा नहीं बदला करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। कंफ्यूज हूँ ललमा, रुक रुक। का भाई रे? कुछो ना, ना। है कहा? योगा योगा। रामदेव बाबा के बाद तोरे नंबर बना। ये कौन आसन? पीटकलासन। और है? है प्रशासन। प्रशासन? और है? है निहुरासन। और तोर? हमार तो दुशासन हो तो बच गेल भाई। चला सना गुल्ली डंडा खेलल जा। कहाँ कहाँ चल गेलो सर रे? बच्चा लेता है किसे?
देखा के नहीं? आवा तो नहीं है ने आवा और सोखा बाबा प्रणाम 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 बढ़िया सब 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 गेल रहला तनी करनी हम के बगीचा में आम देखे खा अच्छा अच्छा तनी एको काम करा हाँ। ई कुल ई सब ईटा है ना हाँ। एकरा को उठा के वहां जमा देता नेबुआ कितना मिली का नेबुआ पैसा पैसा हां 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 भाई पैसा भाई पैसा ए भाई अरे पैसा अच्छा माने हां अच्छा चोका तो के पसंद बड़े हां है केकरा से बात करता एक मिनट एक मिनट हां भाई एकरा से जेबू हां हां ठीक केकरा से बात करता रहा काली एगो चुरैन पकड़ के डलले बानी का चुरैन हां वो कहते कि तू ओकर के पसंद बड़ा ना वो यूं कहते कि वो तहरा संग जाई ना जाके हम कब कद हां जल्दी कर वेरी गुड हां हां ना 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 मैं करत करत आओ हां हां रखना चाहिए देखो हां चुप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चोखा अच्छा कहला हां माई हां माई कुछ पानी पिए के दे देना हां चोखा निकल दिया हां ए चुराई जहन मंजी चुराई जहन मंजी अरे कहां जात रहे हमार चोखा अरे चुराई पीछा भी यहां ए चोखा एगो चुम्मा दे दो चुम्मा ओ गॉड बाप रे बाप प्रतिष्ठा पिछले साल पार कहीं अठारह बट न अब लई कहीं झूला झूले के कब बहिया में मिली बोला न मोरे सैया जर तो धोई दा फ्रिज में जवानी हो
हमार गांव में रहल कठिन हो गेल बाबे। का भेल रे? का भइल? हां पूछत रहू का भइल? दे तोरा हाथ में बुखार होई। अरे हई मिर्तिया जिलेबी हमार जियल काल कर देले बड़ी समय। हमार गाल टो तरी से काहे अंगुरियो कर तरी से हमरा के काहे का कोही ओकनी के बियाह करा देते। अरे ओकनी के बियाह हम कैसे करा देब रे? तते ना करबे त के कराई? ओकर बाबूजी करई। ओकर बाबूजी से कह के करा दे। अरे तो ओकर बाबूजी हमार कहना काहे मनी है? तो ना मनी है ना। हमरा लागत रे मई कि हम तनी अब जवान हो गइल बानी। हां सच में हो गइल के कुछ बोले ले त ना भरती त के अंगुरी करती सामरा के हो गइल बानी तबे न लागत हम जवान बुझात जे हो गइल बानी। इहुन जवान भीले पर गड़बड़ तो होबे करेला गांव जवर तो देखबे करेला। अच्छा चुप कर। आय एक काम करिए। हां बिहाना भी नहीं भी नहीं तैयार हो जी है। अच्छा हमनी के कहीं जाए के बा? ठीक बा कहां जाए के बा? अरे बता देब ना सब कुछ अभी बता दे। ठीक बता कल चल जाइना। हाँ हले ते मोल दे बाकी आ खाना तनी ठीक से बना दी है। हाँ हे भगवान कल सब कुछ निमन निमन हो जाए। अरे चोखा जल्दी चल ना माई अब तो बता दे कि कहाँ जाता नहीं जा। हाँ हमनी ना तोहरा खातिर लड़की देखे जाता नहीं। लड़की देखे? हाँ अरे बहुते निमन घर बा बहुत बढ़िया परिवार बा बहुत नसीब वाला बड़ा बेटा जितना बढ़िया घर में रिश्ता हो रहा है। और हाँ एक काम करिया तू ना ज्यादा बोलिया मत। हाँ और बहुत ज्यादा बोले की जरूरत पड़ी ना एकदम कोयल नियन बोलिया। ठीक बा? ठीक बात ते जैसन कह बे वैसन कर। चला बैठ। ई हमार बेटा है चोखा। बाबू तो बड़ा निमन लागत आ रहे। और बताओ बेटा का हाल चाल बा? कू का कू का करत बाड़े समधी जी हाल चाल पूछत बाड़े बताओ ना। अरे तो तीन खोले रली कि कोयल की तरह बोले के बा? कोयल की तरह बोले रहनी हा एकर मतलब हम मीठा बोलिया प्यार से बोला जी। सब ठीक बा आपन सुनाई? हमरा भी सब ठीक ठाक बा। हमरा तरफ से रिश्ता पक्का बा। तोहरे पसंद से का हुई हमरी लड़की के भी पसंद होके के चाहिए। अरे एक बार मिलवा दी हमरा के हमरा केक में पसंद कर ली है। ठीक बा चला। का हो रहा भाई? यहाँ स्वयंवर जाने ला? हाँ जाने लेना सीता जी के भी तो स्वयंवर भाई रहे ना। अरे वहाँ तो धनुष तोड़े के रहे। हाँ। यहाँ हमरी बिटिया के लाठी के फाइट में हरावे के बाद। हाँ जे फाइट में हमरी बिटिया के हराई उ ओकरा के वरमाला पहनाई। स्वयंवर में चलबा कि वापस जाइबा? अब आ गेल बनी तो बिना ब्याह के लेना जाए। अब बिहा के बारे में जीवन में कबो सोचिए भी। और के हुबा हमसे बिहा करे वाला? हम बनी हम बड़ बड़ घोड़ा दहाइल जाए गधा पूछे कितना पानी। हाँ। जब तू हमरे के गधा मानिए ले ले बड़ू तो गधा ही बने खाती रेडी हो जाए। कहा डोली हमारे घरे जाई?
विचार बा बिटिया बाबूजी हमरा के ही पसंद बाड़े चमक हेलो छुई तो छट देना छनक हेलो ए हो सोना के पानी नियां चमक हेलो छुई तो छट देना छनक हेलो देखी रूप सुधराई मुड़ी जाता गबड़ाई हमको यही में भटक गई नी छटपट भितरी हमर बुझ भावना मनवा के होता वे छटपट भितरी हमर बुझ भावना मनवा के ऊपर काजरा कटार नीचे उठ चाटा कर बीच में पानी लगवाले है ड्यूटी ब्यूटी मारता भी झटका हो एगो बात बताई सरकार पूछ यह 50 के उम्र में इतना मेंटेनेंस का राजबा खायल पियल शरीर हरे जितना खाए कर है खा लेनी आज से अपना मुंह में ताला लगा ले ही कहे से काल से होए वाले ऊपर के आमदनी बंद होके वाला बा कहे तोरे मौसी के बिया का हमार मौसी ना तुहार मौसा हां जिला के कलेक्टर के दौरा बा अच्छा और अपना गांव में रउआ विकास के जो नदी बहुले बानी वो देख के हमरा लागा था कलेक्टर साहब गांव के मिले वाला अनुदान बंद कर दी हैं अनुदान ऐसे कैसे बंद हो जाए बंद तब हुई
जब विकास ना दिखा पड़ी। अच्छा हाँ। जी सरकार भी आज काट के गांव में विकास का ऐसा नदी बहाओ कि कलेक्टर का आँख चौंधिया जाओ। जितना टूटल फूटल सड़क हो सब पक्का करवा दो। सरकार स्कूल का ताला खुलवा कर रंगवा दो। अरे लेकिन स्कूल में मास्टर कहाँ से आई सरकार भी आज काट के। गाँव में इतना घूमत हुए बेरोजगार सब पागल सारे लोग उनके बना दे स्कूल के टीचर। चटनी सिंह आपका स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं स्वागत कबूल किया जाए। हम कलेक्टर अचारी लाल राउड लोग के स्वागत कबूल करते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये कौन है? चपरासी है सर विद्यालय का। हाँ योगा कर रहा है। उस चापाकल में पानी आता है? सर चापाकल में चाप के पानी आता है। फूल आता है माने इतना पानी आता है कि पूरा खेत भर लीजिए। आइए सर आइए 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 आइए। एक दो तीन चार बच्चे बच्चे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए सर। बच्चे बहुत संस्कारी हैं बहुत एजुकेटेड पढ़े लिखे हैं। सर आप कुछ पूछे ना। सर जे पूछे के बाद लेकिन उनसे पूछ ली। अच्छा बेटा तुम खड़े हो जाओ। सरकार मुनीम जी लागत हमारे प्रोडक्ट एकर माई कौन हो? सर यस ओकर चेहरा देखी बीमारी लागत हो। अगर सवाल के नीचे दब के मर गई तो स्कूल बंद करेगा पड़ेगा। बैठ 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 सर। हाँ सर से कुछ पूछिए। आप मैथमेटिक्स के भी टीचर हैं? जी जी जी। गिनती तो आती होगी आपको? गिनती आवेला? एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस। क्या बात क्या बात। एक मिनट छह कहाँ गया? छह तो मर गई ना सर। आज के पेपर में न्यूज आयल रहे कि डुबला से छह की मौत हो गई। कलेक्टर साहब जिंदाबाद। कलेक्टर साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कलेक्टर साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद। इतना ना इतना ना। चोखा रो? जी प्रणाम। अरे चोखा कहा चल बा? अच्छा बात तेसन बा की काल बुझाते न रहे कि रोड गढ़ा में बा कि गढ़ा रोड में बा। लेकिन आज तो ऐसा बुझाता कि सुइयो गिर जाए आदमी उठा ले। स्कूल में पहले भॉइस बना तो लिया सा। आज देखनी है जो में लड़का पढ़ा तला हाँ सा। बड़ा अच्छा लगल है। चापा कल हमने के इनार के पानी पी के हालत खराब है बा। लेकिन आज चार चार गो चापा कल गाँव में ला गई बा। अचानक रातों रात कैसे चेंजिंग हो गई? अरे पागल सर वो क्या है वो एक मिनट एक मिनट। चोखा राम जी ये सारा काम जो भइल रहे कल रात में भइल रहे सोहे कहता नहीं? अरे सर ये शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस है गजनी हो। एकरे दिमाग में कब का आ जा कुछ पता नहीं की। हमरे से बात कर रहा है कि डीएम साहब से ना ना रौरा से तो मेहरारू लाल हमें मुंह दिखाओ। हाँ बिल्कुल दिखाओ तो नहीं ना दिख ली पागल है। देखिए हमारे मेहरारू के सुंदर भैया ना। अरे कैसे सुंदर भैया? अरे जब से मनवा चाप के खड़ा हो गए तो मुहवा कहाँ दिखाई पड़ी? एक बार और दिखा 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 एक बार और दिखा था। ये देखी ठीक बा ना अब सुंदर भैया ना अब ठीक बा? चोखा मैंने पगले हवे का हाँ खड़ा हो गए सामने। हाँ कुछ नहीं खेलो काई अब यो ना लौकल नहीं एक बार और देखो। हाँ। कमल के फूलवा कमल के फूलवा। चटनी बाबू के बारे में कुछ बोला ना? कुछ बोला ना। काश हम विधायक और तुम अल्पमत के सरकार होते बिना कीमत लिए हम आपके समर्थन को तैयार होते। वाह 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 क्या बात क्या बात का बोलनी हो। हाँ आई जवन खरीद ले वाली बात बोलनी हो ना। हाँ। करेजा फट जाता हो मोर।
आज ही तहरा खुशी में लिट्टी चोखा तहन लोगन के शादी के खुशी में जवान कहां हम कर खदन तैयार हैं जवान मैं बतौन दे दे जवान अच्छा लगे दीदी। अरे तू कहबनू तो कोरा कागज पे साइन करके दे दे तो दीदी दीदी हां प्रणाम जी सरकार कागज लाओ लो ऐश करो चटनी बाबू शादी खाली इकरे निखे भाई हमरो भइल बता। अच्छा चटनी जी हाँ एक कागज हमारे तरफ से भी साइन करके दे दीजिए। बार बहादुर हम दे थे हमरो लगे बा मनम जी सरकार तुम भी ऐश करो चल चल तनी प्रणाम चटनी जी हमू चला तनी उका है कि रिपोर्ट कार्ड बनावे के बाद ओकरे आधार पे न तय होई कि गांव के अनुदान जारी रखे के बाद कि बंद करे के बाद। ऐसा मत बोलिए अनुदान तो देना ही पड़ेगा। हाँ वो तो देखल जाए कि रिपोर्ट कार्ड कैसन बनता अभी हम चला तनी। नमस्कार मनन जी सरकार सरकारी का करने नहीं ब्याज का भाई हो जा 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 भाग सब सरकार होशियारी में पगला के कोरा कागज साइन करके काहे की नहीं तो का हो गया। अरे पगले था कागज के दुरुपयोग कर दी ब्याज काट के सही बाप रे बाप मनन जी हां सरकार एकरा पहले के घरे पहुंचो वहां पहुंच ही कागज ले ले। अरे ले ली सरकार फॉलो मी चोखा ए चोखा बिहार के पत्ता लाइन ना है? और भिखारी खाना खाए खातिर दरवाजे चलाई ले है? छेनो है? छेनो ढीला 10 रुपया मिठाई खा लेना बेटा ना चोखा हम छेनो नहीं खे हम चटनी जमींदार चटनी सिंह खामोश जमींदार जी प्रणाम खुश रहा माता जी अटक गए हो एक खामोश पे तली छोड़ा दे अरे चटनी बाबू प्रणाम रुआ कब बनी तू हमरा हवेली आ रहा हो हवेली हाँ हाँ अपना पत्नी के साथ है अपना पत्नी के साथ हम रुआ हवेली पे का करे अपना घर पना है। अरे थोड़ी देर पहले तू हमरा हवेली आए रहा नू कई साल पहले अरे कई साल पहले ना थोड़ी देर पहले अरे अपने पत्नी के साथ आए रहा हाँ। हम तोहरा के कोरा कागज पे साइन करके दे ले रही हो अच्छा कागज ना गुड कैसन कागज अरे चोखा तू बिया करके हवेली आई रहलो आ घूंघट उठा के अपना मेहरारू के मुंह दिखौले रहलो। अरे तो हमार मेहरारू तो घूंघट हम उठा ना तू उठैबो लेकिन घरे में उठैबो ई दे दे हमके ले ल रख ले बेटा अपना मेहरारू के जब लेके हवेली आई रहो तो तोके हम कोरा कागज पे साइन करके देन तो ऊ कागज लेके तू अपने मेहरारू साथे अपने घर आई रहो का बहन जी जा तू घर में जा अब चोखा हाँ? एक काम करी हो हाँ? अपने मेहरारू से कह दियो हाँ? कि घरवा में कागज ढूंढ ले हाँ? जब मिल जाए नू जी तब हवेली लेके आ जी हा ठीक बात हम चली तू कहाँ चलबो जाए तो हम के वहा अच्छा लेकिन सुनो नया नया ब्याह भेल हो तोहार नई नई बहुरिया घर में आयल बिया तो हम ही चाहत रहनी हो कि एगो बहु भोज कर दी तब बहुरिया के लेके काल हवेली आ जइयो। का बजे 10 बजे जी ठीक बा कमल के
आवन लिट्टी ए मार करे जा लहसुन पाणे लिट्टी नहीं की तू आवा लहसुन पाणे पागल हो गए हमके चारों ओर खड़ी लिट्टी लौका दो गिलसिया में तरीवा में खाना पीना उठना बैठना सोना आता लहसुन पाणे हमके लिट्टी चाहिए हमके लिट्टी से मोहब्बत हो गए लो हम पगला गए लो करे लिए लहसुन के होते हुए लिट्टी बच के ना चाहिए लिट्टी चल भितरिया के बढ़ गए पोरे पोरे जहर राजा चढ़ गया टेम्परे चल भितरिया के बढ़ गए पोरे पोरे जहर राजा चढ़ गए तब बहुत से राज आई इतना हड़बड़ाए का है बानी आ तो गई नहीं अरे तब बहुत से राज डीएम साहब प्रणाम 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 अरे चोखा जी कली तू चटनी सिंह के बारे में क्या कहत रहल हो कौन बारे में यह सड़क पानी बिजली के बारे में कुछ कहत रहल अरे छोड़ी साहब वो सबसे कोनो मतलब नहीं है ठीक बा जल्दी चली ना तो भोज की मुझे खत्म हो जाए हां हां चलते चलते कहीं
जात बड़ा का? हाँ, चटनी सिंह के यहाँ भोज बना हमनी के। अरे चोखा, नया नया मेहरारू के ज्यादा पैदल ना चले देवे के चाहिए। अच्छा, गाड़ी बाने हो जाए। हाँ, आई ना, आई रउआ लोग के हम छोड़ देता नहीं, चल जाई ना डीएम साहब, छोड़ी अपन काम करी। अरे बहुत दूर नहीं खजा के हम के चल जब सा। अरे जिद मत कर। ना ना डीएम साहब, आई ना, चली आई। हमरा मरद के ना के मतलब ना हो, चली जी। चोखा, हाँ, तहार मेहरारू तो बहुत बढ़िया बोल ले वतिया जी। चलो आओ। तुहार पहुरा हमरा घर खाती बहुत अच्छा बावे। जब से तू आयल बड़ू ना, हमरा घर पर एक से कहा लोग आ जाता। आज हमरा द्वार पर डीएम तक ले आ गेले, ना तो हमरा द्वार पर तो कुकुर ले ना होता। हाँ। कितना भोला बाड़े, जेही कमीनन की नियत भी नहीं के भाप सके। सोचा था कुछ ना, चलो आओ जी जमींदार बाबू, पढ़ना। अरे अरे लिट्टी, कैसन बाड़ू? ठीक बाड़ू। अरे चोखा, लिट्टी बैठा 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 बैठा। ये लेकिन हुआ सामने बैठा, घरे का बात है। लिट्टी बैठा ना, तू बैठा। लिट्टी बैठा 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 बैठा। चोखा जी बैठा 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 रहुआ सामने। अरे तोहार घर हो। अच्छा अच्छा, देखा चोखा, कभो भी ये घर के अपन घर समझिया। हाँ, लेकिन घर बहुत बढ़िया बाबे। पहले ना देख ले रहा ना? ना जी, कहाँ देख ले बनी। अरे चोखा, तुहार जब मन करे कभो आ सकल तुहार चटनी के घर। हाँ। जी जी सरकार, ले जाता नहीं आ। चोखा के हवेली टहला दा। ठीक बा, चलो चोखा चा, 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 चा। हवेली घुमा दी, घर देख के होता। आ, होता नहीं। लिट्टी सब ठीक बानू जी? देखा एक बात बताई, हमारा बात को सुनिया कम समझिया ज्यादा। हम मानता नहीं कि लिट्टी चोखा साथ में अच्छा लागे, लेकिन कभो कभो चटनी के साथ भी कॉम्बिनेशन मिला हुआ में हर्ज नहीं की। जौन इंसान अपना हद में रहेला, ओकरा साथे कभो धोखा ना होला। और हाँ, चटनी घी अचार ये चाहे अपना आप में कितना भी काबिल हो, लेकिन चोखा के बिना लिट्टी और लिट्टी के बिना चोखा ना होला जमींदार जी। अरे तो हम अलग होए खातिर थोड़ा कहत रही, हम तो बस खाली इतना कहत रही, एक बार सिर्फ एक बार चोखा के धोखा देखे चटनी के साथ आगे तो देखे। हम तो के जितना कमी ना समझत रहनी, तो ओकरा से भी ज्यादा कमी ना बाड़े। लट्टी देवी, हमारा आशिकी के कमी ना पन मत समझा, थोड़ा इज्जत तू हमरा दा, उसे ज्यादा इज्जत हम तारा के देव, रानी बना के रख। और सुना, चोखा के पता भी ना लगे। प्रॉमिस। जमींदार जी, हम कहीं गांव के उन मजबूर औरतन जैसे मत समझिए। अच्छा। हम वो हैं जे अपना पर आ जाए ना तो तोहरा के जिंदा जरा दे। और हाँ, एक बात याद रखियो, अगर आज के बाद हमरा साथे ऐसन बेहुदा बात कहिला तो तोहरा मुंह पर घुमा के ऐसन चप्पल मार कि चप्पल के नंबर तोहरा मुंह पर छप जाए। चट्टी चट्टी क्या गिरल, क्या गिरल? अरे जमींदार बाबू, रुवा लिट्टी के चरण में गिरल बनी। अतिथि सत्कार, जमींदार जी कहा तारे कि मेहमान भगवान यन होला। हाँ। ऐसन जमींदार तो पूरा धरती पर खोजलो से ना मिली है। जमींदार बाबू, अब खाना हमने के खा लिया है। ए जी, हमारे पेट तर इनकर अतिथि सत्कार से भर गई, अब हमरा से एको दाना ना घोटाए, चलिए। लेकिन हमारे पेट खाली बा, हम रहुआ के घरे ताजा खाना बना के खियाई, चलिए। अरे यहाँ के इतना प्यार से खाना बनोले बनी, अगर हमने के ना खा तब बुरा लगे ना रुआ। जी जी जी, हाँ खा लीजिए। देख लू ठीक बेगो काम करा तनी, खाना नहीं की खा तो फाले ले लेते ना, पहुंचवा दे कल बर्तन। हाँ, एको हाथ ना जीतबे, एको हाथ ना। आदमी के उतने बोले के चाहिए जितना लोग बर्दाश्त को ले, ते कुछ ज्यादा ही बोलो तारे बाबू। अभी दिमाग के पिटारा में खटाना खाली नहीं खा भाई, अभी ना एक उंगली पर पूरा गौवा के नचा देम धटा धटा एक उंगली पर, बुझल हूं। धनी करके समझाओ सरे, ये कुछ ज्यादा ही फेंकता।
तोरा खानी फेकू चन पूरा गांव में घुमाता लो। अजमाला अजमाला लड़ा के दिखाला, गवा के दिखाला, भगा के दिखाला, मुस्कुरा के दिखाला। अच्छा एगो काम कर, अगर ते कुछ कर सकत रहिस ना ते दोनों लड़की में से कोनो एगो के पकड़ के देखा। इतना छोटा काम पक्का। अरे दीदी के प्लानिंग आबा भैया, दीदी के बात ना सुनवा। आबा 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 ना आबा। चला चला दीदी के साथे चला। टैलेंटेड बा माने के पड़ी। माने के परी टॉयलेट आज हम माल लेने की तरह में बाबे, लेकिन निशान कैसा लगा चुम्मा चुम्मा के हम जबरदस्ती तकी तांगुरी के निशान लगता है। अरे गुंगरी के दा हड़बड़ा के लेने से देख के इतना स्मार्ट लड़का। हां हां तकी पीठ में माटी कैसे लगा। माटी खटिया चौकी ना रहे। हां भुइया में रगर रेर के दे देले बाड़ी सर चुम्मा। हां सब जगह लाल पीला हो गेल। हां ने गर्दनों पर लगल बा। अरे मां दीवालों में रगर के। अरे दीवाल में रगर के जो ले ले बाड़ी सर दूध को रही सन आलु तो बढ़िया बा निम्बर रही से चुम्मा लगे छोड़ दे। अब बाबू कहीं धरा जाए थी खराब के फेरा में ते चुम्मा के ना अंगुली के निशान रही बुझालू। लेकिन माने के परी अब दो हाथ के ना ना बाबू ना। अरे काहे से ना इतना एनर्जी खिंचा गई कि अब हरदी और दूध पिए पड़े। अरे तले लही ना पड़ी सरे चुम्मा इतना ले ले पानी के हैंग ओवर जुड़ा हैंग ओवर। आओ ना ना ना। अरे तो दो हाथ खेल ले। आओ ना सरकार। अरे आप तो बता दी आपके का भाई बाबी आज काट के चखवा के मेरा रो हमारा के चप्पल से मारे के धमकी दे ले लिया। अरे तो धमकी न मिलल बा सरकार मरले नहीं खनु बियाज काट के मरले समझ ले आए मने सरकार लट्टे के पावेला हमार बहुत बड़ी लालसा रहे। हाँ। लेकिन लालसा जिद में बदल गई बा आए कौनों भी कीमत पे अब लट्टी चाहिए। पता लगाओ कि वो परिवार के हमनी कोना कांड में फंसा सकेनी। अच्छा शर्मा जी नमस्कार। आई आई दरोगा जी आ जाई जा। वो फोन कैले रहनी ना केकरा खातिर। वो लोन डिफाल्टर के लिस्ट खातिर। अच्छा अच्छा लोन डिफाल्टर का लिस्ट। लेकिन रहुआ तो नामे ना बतौनी कि केकरा खातिर चाहे। लहसुन हेने सुन जी सरकार। एकर काम ना हो सकेला लहसुन के बिना। चटनी के सरकार चटनी, चटनी। के। ओ चटनी बाबू के चाही ई ली फाइल। भूला भूला माते प्रणाम। कोरोना ने आपको भी नहीं छोड़ा मां कसम। आराम माते बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना मां कसम। बाल्टी दे दे काली माता के सैनिटाइज करना है बसंती मां कसम। माते सैनिटाइज जरूरी रहल है माते। यहाँ करत बाड़ू का दरवाजे पे आई है काली माँ। माँ माता जी दरवाजे पे आई है काली माँ। काली माँ सिंदूर दे माँ। हाँ माँ आज धर्म पाजी घुसल पूजा भी जरूरी रहल है माते। दरोगा जी ये हाल कैसे हो रहा हूँ।
का हो गेल रहुआ? हां चोखा जब तू ही नवरात्रि के पूजा करत रहले। लेकिन नवरात्रि तो 2 महीना बाद है। बैंक लोन भरले कि ना चुका देले हो? खब चुप करो दरोगा जी। 3 साल पहले ट्रैक्टर खरीदे खातिर 5 लाख रुपया लोन ले ले रही हां, बाकी चुका ना बोली हां। हम चुका देव। देख ट्रैक्टर चाहे चले या बंद होके, एकरा से बैंक का कुछ लेना देना नहीं खे। 1 महीना के अंदर 5 लाख मूल और 1 लाख ब्याज चुका दी है ना, तो ये घर मकान सबके जब्ती और कुर्की और 2 साल के जेल। 30 दिन जी यानी 1 महीना लोन चुका दिए है। धनिया साहब, ये बेवकूफ के कौन लोन देहलस? कहा पता साहब? अच्छा भलकी साहब, हमनी के सैनिटाइज करके छोड़ देहलस, नहीं तो थोड़ा देर और रुकती जा, हमनी दोनों के क्वारंटाइन कर दही तू। का भाव से हो? 100 रुपया भाव साहब। अरे बड़ा महंगा भाई, अनार का भाव है? 80 रुपया साहब। आई केला? केला 40 रुपया दर्जन। सेवा बड़ा महंगा बा हो? का साहब, बैंक मैनेजर बनी और मोल भाव करता नहीं। महंगाई बा, हमरो बाल बच्चा बा, ऐसा मत करा, कुछ कम करा। 10 रुपया मैनेजर साहब प्रणाम। हाँ दा 1 किलो दा। अरे प्रणाम प्रणाम, का हाल बा? जी बढ़िया बा। अच्छा भल के वही जी मिल गनी, हम बैंक जात नहीं। अच्छा अच्छा, का काम रहे? बाती बना कि कल हमरा द्वार पर पुलिस वाला लोग पहुँच गए रहे पैसा खातिर। ना तो पुलिस गए रहे तो तुहार माई लोन ले ले बाड़ी। हाँ वो तो जानता नहीं। 3 साल खातिर ले ले रही। हाँ एको के किस जमाने के कहले तो? अच्छा तो हमारे का टाइम दे दी ना, चुका दे मुकरा के। अब टाइम देवे के समय खत्म हो गए बा, 30 दिन में तू पैसा जमा कर दा, ना तो आज तुहरा पास पुलिस गई है। हाँ? कल तुहरा माई के जेल जाए के पड़ी। क्या बात करता नहीं? अरे एकदम सही कहता नहीं। ऐसे मत करी मैनेजर साहब, ऐसे मत करी। ना ना कुछ ना, तू पैसा 30 दिन में जमा कर। हाँ? ना तो तुहरा ऊपर कार्रवाई होगी। ना ना कुछ ना, चलो चलो। अरे पैसा जमा करा भाई, पैसा जमा करा, और कोई उपाय नहीं तुहरा पास, चलो। अब का करी, कहाँ जाए? ए भाई पैसा, यह मैनेजर साहब वाला लोन में लिख ले। पैसा नहीं है भाई। चटनी बाबू प्रणाम। अरे चोखा जी, का भेल भरी घबराहट में हवा? जी बात ऐसन बना कि हमार माई 3 साल पहले बैंक से लोन ले ले रहे। अच्छा, और अभी तक ले चुकौनी ना, तो दरोगा बाबू हमरा दुआर पर चल गए हैं लोन चुकवावे खातिर, तो कुछ हमरा के सहूलियत दिलवा दी, तो हम धीरे धीरे भर दे। ठीक बा, तोहर कर्ज माफ हो जाए। जी लेकिन तहरा के ओकरे बदले एगो काम करे के पड़े। कौन काम? लिट्टी से हमरा के एक बार मिलवा दो। लेकिन वह दिन हम लेके आई रहे ना मिलवावे खाती, वह दिन सबके सामने में लोले रहला ना, हम अकेले मिलल चाहता नहीं। लिट्टी से लोन के का मतलब है? तो के लोन माफ करावे कहो? जी हाँ। ढेर सवाल मत करा जी, मिलवा दे बस। ठीक बा, लेकिन कहाँ? कल ही तू लिट्टी के लेके हमारा फार्म हाउस पे आ जा। और चौखा, हो सके लाई चट्टे फट्टे में तो हर लोन माफ करवा दी। जी ठीक बा, कल 10 बजे लेके आ जाए। ठीक बा प्रणाम। जा अब, मने नुकसान करे खातिन पैदा भेलो का? जाई थी सरकार पगले था। ए चौखा, तू सर
तोरा फूल झड़ी क्या हुई मोहल्ला माचिस को गया रहे हो भाई? सर हमारा लोन माफ कर दीजिए ना। हमारा रिक्शा खुद लोन पे है भाई, तुम्हारा कहां से माफ करूं? ओके सॉरी। रेड टेकला देखो तेरे गांव। हाँ। एक दिन ऐसा टाइम आए कि सारा जमीन हमर रही। अच्छा? सब खरीद ले, जहां तक नजर जाता यहां से लेके वहां तक। अरे ललमुनिया भौजी, जल्दी आओ। का भाई रे? अरे गौरत साड़ी उतार दिया। का? अरे सही में? सही में साया भी उतार दिला। का बात करता रे? अब बलाव तो उतार दिया, जल्दी आओ। अरे बाप रे, आओ तो रुक। केन केन देख देख देख। अरे उतरेगा नहीं, पसे उतार दिया। हम जब कहानिया की खोला दिया, हम तो कहानिया को उतार दिया। साड़ी उतर लस, साया उतर लस, ब्लाउज उतर लस। तोरा खानी बेकार आदमी धरती बना हो तो बढ़िया रहती, तो तोरे तोरे रहती। तू आर बार छोड़ के हम आ गई। हम कहे हम के कहे मारो तानी। हमरा कहे मारो तानी, तोरा लौकर आता ते कहना बता दी। नहीं लौकर तो पावर बढ़ा। पावर प्रणाम जमींदार बाबू। ठीक बा। हाँ। एक काम करबा। हाँ। तर मुनीम जी के बोला लावा तो। मुनीम जी के कहे खाती? अरे भाई कर्ज के माफी खातिर पढ़ल लिखल हुए हुए। अच्छा। कागज पत्र बताई है कौन कहाँ कैसी हो। अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक, हम आवत नहीं मुनीम जी के लेके। कालट्टी देवी वदन का कह ले रहा कि तू हमारा चप्पल से मरबू।
चाहती तो वही घर तोहरा का जवाब देती, लेकिन ना चटनी सिंह नाम है हमार, प्यार और वार दोनों, जगह और समय दोनों देख के करीला। का सोचलू हमरा बारे में? इहे कि तू घटिया ना, महा घटिया इंसान बाड़ा। और हाँ एक बात याद रख, आइंदा ऐसन बेहुदा हरकत कैले ना पूरा गांव में तोहार इज्जत उतार दे। लड़की देवी तोहार जवान मन कर है तवन करा, बाकी एक बेर श्रद्धा पूरा कर दा हमार। ला 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 हलिट्टी। का भाई? कुछ ना जी, जमींदार जी के गाल पर मच्छर बैठे रहा। मच्छर मरलो है ना? हाँ मर गई है ना। देखी तो ये सब ठीक नहीं है। देखिए मरलिटी रव के अपना ख्याल रखे ली, अब मच्छर सन से थोड़ा ध्यान से रही रुआ जमींदार साहब, बहुत डेंगू के बीमारी फैलल बा, थोड़ा धुआं धोकर जलावत रही, मच्छर नहीं हंस। अगला बार अगर आई तो हमारा के याद करब, लाठी से मारब, मच्छर रहे ना दे। ठीक बतनी सुनी ना, अब हमार लोनवा के देख लेब तनी जमींदार साहब, क्लियर करा दियो करके। जाओ जाए। ठीक बा चल। लागो तो सरकार की कोनो बिसैला मच्छर रहा लगा दी आज काट के। ये थप्पड़ तारा पे बहुत भारी पड़ी बेटी। का बात बद्रुका जी, रास्ता कहे रुकले बनी? काहे लोन का पैसा चुका देला, लेकिन काल तरवा कलर नहीं की एक महीने बाद भरे के बाद। बुझला 29 दिन खत्म हो गए, काल पैसा चुकावे के आखिरी दिन हो, और अगर कल पैसा ना देला तो तोहरे कमर में रस्सी बांध के पूरे परिवार के साथ जेल के अंदर फूस दे। अंधेर गर्दी मचल बाका के कमर में रस्सी लगा के सब केहू के जेल में डाल दे, कानून हमो जानी ले दरोगा जी। तो एक काम करी, पहले बैंक से प्रॉपर नोटिस भेजवाई, ओकरा बाद हमने से बतियाई। तो ठीक बा, अब हम तू ना कानून कानून के ले सुन। कमाल का दलील थी, तू तेरा जुबान पर लॉकडाउन लगा देलू, अब एकरा वैक्सीनो ना मिली। चल हम सोच ले बने, काले हम सर जाए और लोन के पैसा जितना जल्दी हो सके चुकता करा। लेकिन रवा वहां जाके करब का? करब ना, तोरा और अपना नाम की दुकान करब लिट्टी चोखा के, कम से कम शहर के लोग के अपना गांव के लिट्टी चोखा तक खिला दे, यही बहाने। अगर रवा लागत था कि रवा के वहां गईला से परेशानी कम हो जाए तो ठीक बा, हम रवा के रोकब ना। ए भलना बात, हमार सब कपड़ा सरिया दिया, हम भोरही जाए। माई तू लिट्टी के ख्याल रखिया। जनिए राजा सौ दुनिया के जाल में
जवा के जोतिया चहकी चानिया समान में लिट्टी से चोखा का बहुत दूर नहीं होती बसलू तू हमारा परहन में रखी है कुल ही छप्पन गोछा अपनी चाल में रखी है कुल ही छप्पन गोछा अपनी चाल में फसिया जनिए राजा से मुक्ति दिला दो। भैया सोलो किन के
हम नहीं की जाना, हमरे की बचा ली लो, बचा ली लो हमके। अर्जा सिंह जंगल है जंगल। और जंगल में चुनाव नहीं होता है। यहां शेर अपनी मर्जी से खुद राजा कहलाता है। चाहिया ने चमकी सुरु जावा के ज्योतिया, चाह की जान या समान में, लिट्टी से चोखा कबो दूर नहीं होखी, बसेलू तू हमारा परान में। इली माजी चाय लाओ दे, बैठे खाएंगे का बनाए। हाँ का बात बा जमींदार जी, आज ही बारात लेके आई जा लट्टी देवी। वो कहा कि बड़े दुख के बाद भतनी संभार के सुनिया, दुनिया में जी आयल हो ओके एक दिन जाए कहो। का कहलो हा पटाई रहा, पटाई रहा। अब ये कहत रहनी है कि कैसे बताए, कुछ समझ में नहीं क्या। साफ साफ बताए, कर्ज से परेशान चोखा आत्महत्या कर लेलस। अभी दुनिया में नहीं की। इका बकवास करे तारा। जमींदार साहब ठीक कहा तारा, लिट्टी देवी भी आज काट के अब अपन चोखा पहाड़ी से कूद के अपन जान दे देना। चुप करा तू लोग, निकल जाए जा से, हमार लेके ऐसा ना कर सकेला। लाश के बहुत तलाश के नहीं बुझाता कि लाश के सियार और कौवा खींच ले गए ले पहाड़ी के नीचे कुछ खून के धब्बा और ये बैग मिलल बा। देख के बतावा कि ये बैग चोखा के है कि केहू और के। किसान आत्महत्या कर रहल बा और सरकार कौनो खोज खबर ना ले रहल बिया, लेकिन हम चुपचाप बैठे वाला नहीं की। इस सरकार का ईंट से ईंट बजा दे, हजारों लाखों के संख्या में विधानसभा के घराव कराओ, सरकार गिरे में मजबूर कर दे, चोखा का मोह चाहे ना जाए। बजा ताली। रउआ सभे लोग इस जमींदार साहब के बात के सुन के इना समझ ली कि सरकार गरीब मजदूर किसानन खातिर कुछ ना कर रहल बिया। हम इ मंच से सरकार के नुमाइंदा होके के नाते लिट्टी देवी खातिर यानी कि चोखा राम के परिवार खातिर 10 लाख, जी हाँ 10 लाख मुआवजा के रकम घोषणा करतानी। कर रहल बाड़ा 10 लाख रुपया, मेरा रू हमरे गांव का
जमींदार हम साथ ये रही है भक्चोनर। देखा तू करेक्टर ले सवा हम कुल समझत हई हमारे गांव के मेहरारू हम रहा बकरा साथ है। ए जमींदार हां तोरा कोनो प्रॉब्लम बा का चल रहा खबर? अरे ना यहां विधायक और कलेक्टर के भारी ड्रामा चलता। ई गांव तहरा बाप के जागीर हो। नहीं तोरे बाप का जागीर है। चुप सर ने खींच के मार दे तोर मुंह भाग जाई। तहार रिपोर्ट ऊपर तक भेजी का। हां ठीक बा हम एक काम करतानी भैया कलेक्टर साहब के साथ मिलके आपसी समझौता करके लिट्टी देवी खातिर कोनो न कोनो रास्ता निकालो। चटनी बाबू जिंदाबाद। जोर से ताली। जिंदाबाद। चटनी बाबू जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुना है कलेक्टर साहब लिट्टी हमार हिया मतलब हमार हिया। तो हमरो एगो बात सुन ली जमींदार जी लिट्टी हमार बिया तो हमार बिया बस। सार कैसे बिया नजर हमार पहले पड़ल ना हमार नजर पहले पड़ल रहे बस। इलाका हमार जमींदारी हमार तोहर नजर कैसे पड़ गई? लिट्टी हमार बिया तो हमार बिया बस। हम ही जमींदार हम आदमी जानवर नियर काटीला हमार खोपड़ चल पाती तो हम काटब तोके। अच्छा अच्छा हाँ। आदमी के जानवर लेखा काटेला। हाँ। बड़ा दिन से हमार फिटनेस चेक ना भाई। अच्छा आई तब आ जा आई आवा हाँ आवा आई हम काट डाल। हाँ काट हाँ। अरे आई आई सरकार रुकी भी आज काट के आप दोनों जाने का लड़ाई में बाजी जरूर कोनो तीसर मार ली है तो हमार मानी आप अपना तरीका से लिट्टी का पटाई और आप अपना तरीका से पटाई लिट्टी जकरा से पहले पट गई लिट्टी होकर आए मंजूर। मंजूर मंजूर ते एगो औरत का आई ये दोनों महापुरुष बन गए लंगूर प्याज काट के जातानी जान तहरा लागे जान छोड़ के देहिया से रहेब भले दूर हो करी ले वादा रानी खातानी किरिया आई बुलावट के जरूर हो तू कार जरूर लिट्टी भूत भूत करे करे भूत तू ही तो मारे भूत ना 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 भूत भूत ना 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 हमें तो करे भूत ना भूत ना ना भूत करे 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 ना 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 भूत ना ही हम तो हर पति चोखरा बैठ बैठ हमके चिवटी काट के देखा देखा हम जब शहर जाता नहीं ना तो हमारे के कुछ बदमाश घेर लेला सा रास्ता में हमारे सामानों छीन लेला सा हमारे के बहुत मरलन सा और हमारे के पहाड़ी के पीछे फेंक देलन सा। दो दिन तक होश ना रहे हमके दो दिन बाद होश आई ना तो हमके कुछ याद ना रहे तो हमके खाली घर याद आई तो हम घर आ गए नहीं। लेकिन पता बा यहाँ गांव भर में हल्ला हो गई बा कि तू मर गई ला ऐसे हमने के रो रो के बुरा हाल हो गई बा देखिए हम तो चिंता बनी
भगवान करस तो कि हमरो उम्र भी लग जाए। अब तो लौट आइल हम हमके भगवान से कोनो भी शिकायत नहीं की और हम सरकार की तरफ से मिले वाला मुआवजा भी ठुकरा दे। मुआवजा? कैसा मुआवजा? तू मर गई ला ई जान के सरकार हमने के 10 लाख के मुआवजा देव के खा ले रहे, लेकिन अब हमके कुछ ना चाहिए और हम काले जाके जमींदार के बता दे कि हमार मरद जिंदा बाड़े। ना ना, तू कहीं ना जाए। कहीं ना जाए, लेकिन कहे? देखा लेटी, हम पूरा जीवन भी कमाए ना तो शायद हम 10 लाख रुपया ना कमा पाए। अगर सरकार हमें के 10 लाख मुआवजा देता और मुआवजा ले ला दुनिया की नजर में हम मरल बनी ना, हमके मरले रहता गरीब खाती 10 लाख मुआवजा बहुत होला। ये सब होई कैसे? होई आज के बाद से हम घर से भरी कबू ना निकल, कबू ना वो पीछे वाला कोठरी बना वही मेरा, जब तक ले मुआवजा के पैसा ना मिल जाए ओकर बाद देखल जी क्या करे के बा। लेकिन एमे तू के हमर साथ देवे के पड़ी बेटी, बोला हमर साथ देवो ना। लगावा अपन चोखा जिंदा बा, कहीं मैं देख तो ना लेने कहाँ चोखा जिंदा भाड़े, कहाँ भाड़े माजी दुल्हन, हमने के ही मान के चले के पड़ी तो हाँ तकलीफ समझ सकेली तो जवान बाड़ू सुंदर बाड़ू और ई बड़ा लोगन के आगे हमने की कोनो औकात नहीं की, आपन बपौती समझे ले हमने के। एही से दुल्हन तू सेनूर लगावा टिकरी लगावा सब कुछ करा ताकि सब केहू के पता चल जाए कि हमने सास बतो चोखा के गैला के बाद कमजोर ना पड़ल बानी। ठीक बा माँ जी, आज से हम रोज श्रृंगार पटार कर। तो खाना के तैयारी करा, हम लौना लेके आवता नहीं। हम कैसे बताए रहुआ की माँ जी कि चोखा सच में जिंदा बाड़े? एजी कहाँ बानी चाय पीली? एजी, हे भगवान ये कहाँ चल गई नी? फिर से बुला तो नहीं गई? सब ठीक बैठी कहाँ जाता हुआ इतनी निपटे आल रहे नी? सरकार इतना कुछ बनौले बा तब तू दूसरा के खेत में हक के भर भस कर। अरे घरवा में आदत देखे नु, बाहरी में बढ़िया से नीमन से होला तरह के घर में आगे के कहता लैटरिंग में हाँ
अरे आदत नहीं खेनु, यहाँ बढ़िया होला, काम के काम हो जाला, खेत के खातु मिल जाला। कपड़ा के खेत में चले रही। अरे क्यों, देख ली तो पूरा प्लान चौपट हो जाए। सोखा बा देख ले ले बा। का? देख ले ले। सोखा देख ले ले। हाँ। हे भगवान, चल यहाँ से जल्दी, चलो। चलो जल्दी। आई जमींदार जी, आई। ये वो है जगह। हाँ। ये है जगह। हमने अपने खतिर आए रहनी है। लाठी ना लाल है। भगा मेरा घूमत। सराहू का आत्मा आज हमने साथ लिया। ये हो जगह। देख 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 देख। हाँ। हन्ने देख हन्ने। हन्ने देख। हन्ने देख। बोला मैं। हाँ। बोला मैं। यही जरा। यही जरा है जमींदार साहब। होटा क्या कर रहा? हमारा। तो रहो। हम अपने खतिर आए रहनी है। हमारे घर डरवा के भगा दे ला सरकार। सरकार। हमका लगा था इस सोखवा जरूर है पुतला में चोखा के देख लो ब्याज काट के। अरे ना जमींदार साहब, साचो कहा था नहीं, चोखा के बूते हैं बैठा रहे। ना जमींदार साहब, उन्होंने जी सही कहा था ना, ये पक्का झूठ बोलत बा। इधर देख रहे हम ना, हमरा भरोसा है। चुप चुप आज के बाद तोरा कहियो भूत ना लो जी आज काट के। अरे भरोसा करा, हमरा पे भरोसा करा। अरे के हो हमरा बात पे भरोसा कहा नहीं के करत। देखिए रहो आ तो गई लेकिन संभाल के। तू चिंता मत करा, हम ऐसा मुंह ढक ले बनी ना कि केहू हमरे के नहीं के पहचान सका। हाँ, समझ लो। अपन चेहरा ढक के रहियो। जा गई एकदम भूला गाधिया। ओए देखी क्यों देख लस तो बहुत मुसीबत हो जाए। यहीं से अपन बोलत खानी। हाँ। अरे कहाँ चल गए नी। हाँ इली साहब। कहाँ भे इतना पैसा? तो धरती पे चाहे जहाँ तुझे तेरी खुश। अरे चोखा किलो के हाथ जिस पे पड़ता है ना वो मरता है। चुखे, चुखे। तारीख पे तारीख। भूत, 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 अरे भूत, चौका के भूत। चोखा का भूत, चोखा का भूत। वहां सुखो चिल्लाता हूं, यह चिल्लाता हूं। अरे कहां पे चोखा का भूत? लिट्टी जी नमस्ते। अरे जमींदार जी रवा ही जा। बस लिट्टी जी सोचने की एक बेर हाल चाल ले ली। सास पतो घर में बानी कैसे बानी? ठीक ठाक बानी की ना? माई नहीं खेला उखा तो जी वो बाहर गई बानी। अच्छा अच्छा। बाकी सब कुछ ठीक बानू? कोनो तकलीफ तो नहीं खे? जहुना घर की मुरत और आ गई लोग के वो घर में सब कुछ रहला के बाद भी कुछ न रहला जमींदार जी वहाँ के बिना
हमके बिल्कुल निमन ना लागेल। अरे त काहे चिंता करत हरू, चोखा नु नहीं खे चटनी तो बा। कभो कहो लिट्टी के साथ चटनी के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लागेल। ठीक कहनिया जमींदार जी, एगो तो रोवे तो बानी जे गांव में हम जैसन अकेली औरत के परवाह करेनी। तब कल सुबह तैयार रहिया कचहरी चले के बा, चोखा के मृत्यु प्रमाण पत्र लेके। वो कहा ना जितना जल्दी पेपर जमा हो जाए उतना जल्दी मुआवजा कर रकम मिल जाए। ठीक बा जी, भोरे तैयार बस। अच्छा यो लिट्टी जी, दरोगा कहत रहा है कि अगर चोखा के भूत दिखाए पड़ल हो। का कहता नहीं रोवा, हमार मरत तो देवता रहले, ओ कभी भूत बन के नहीं भटक सकत। या तो रोवा हम पर विश्वास करी या फिर दरोगा पर। हमारा तो रवे भरोसा हो, अगर आप ना भरोसा हो रात भर भांग पियला उल्टा पुल्टा बात हमारा खोपड़ी में भरेला। दरोगा भरोवा सलाम पीछे। ए जी, हम ठीक बोल नहीं है ना? बहुत बढ़िया। लेटे अरे चटनी से इका रंग रूप बनौले बाड़ो कहे ठीक नहीं लागत का? ना ना, एकदम हीरो खानी लागत है। बड़ा स्कूटर पे चलन जाए। हाँ। चार चकवा कहाँ बा? का बताएं, चार चकवा को लेके साथे बिगड़ गई ली हो, सर्विसिंग में गए हैं। लेकिन तू चिंता मत करो, ले चला एकदम पानी नहीं हो, झटका ना लागी। ठीक बा, बैठा। बैठ बैठ बैठ। एकदम भरोसा रखा हमारा ऊपर। यस। अच्छा लिट्टी, ये सेनहूर और मंगलसूत्र तू कहे पहरे लो जब चोखा मर गया हुआ तो? कहा ना जमींदार जी, चोखा हमरा और माई खातिर आज भी जिंदा बाड़। अच्छा अच्छा, लेकिन एक कलेक्टर बस तनी बच के रही है, बहुत चरित्रहीन आदमी लागल हम के ससुर। अब लिट्टी आओ, कलेक्टर साहब है? हाँ बाड़न। उनसे कह दो कि चटनी सिंह आयल हुआ लिट्टी देवी के लेके। सर, चटनी सिंह और लिट्टी देवी आयल बाड़न। चटनी सिंह को बाहर बिठाइए जी, और लिट्टी देवी को थोड़ा इज्जत से लेकर आइए। जी सर। देखत रहो, चिंता मत करो। हाँ, का बोलन? लिट्टी देवी के बुलावलन है। लिट्टी देवी के? जी। आवा। ना ना ना। का ना ना? लिट्टी देवी के बुलावलन है खाली। जा कोनो बात ना, मिल के आओ। जा जा। अरे आई बैठ। बैठी। लिट्टी देवी, एगो बात पूछी जी। ई चोखा राम के मौत के बाद भी ई रउआ ई सिंदूर मंगलसूत्र मामला कुछ समझ में आई ना? ओ, चोखा मरला के बाद भी हमरा और हमरा माई खातिर वो आज भी जिंदा बाड़े। अच्छा अच्छा, खैर जाए दी, आवे में कोनो तकलीफ ननु भाई? ना ना, तकलीफ काहे होई, वो जमींदार जी इतना प्यार से अपना स्कूटर पे बिठा के लिए आए बानी। इस जमींदार जी जो बड़े नु एक नंबर के कमीना बड़े, उनका पे भरोसा करे के जरूरत नहीं खे। ये हमरा मरद के मृत्यु प्रमाण पत्र मुआवजा कब तक मिल जाए? मुआवजा खातिर तहरा के परेशान होके के कौनो जरूरत नहीं खे। हम बने नु 7-8 दिन में मुआवजा के रकम हम अपने हाथ से लेके आई और रउआ हाथ में दे दे। ठीक बनू। अरे लिट्टी। अरे जमींदार साहब भी आई रहल। ना ना, जमींदार का भूत खड़ा हो। फटफटिया से आई बनी। फटफटिया पांडे जी। जी सर। लिट्टी देवी के जब तक मुआवजा के रकम ना मिल जाए सर, तब तक लिट्टी देवी सरकारी मेहमान बड़ी, और सरकारी मेहमान सरकारी गाड़ी में न चले ले सर। तो लिट्टी देवी के सरकारी गाड़ी से सरकारी इज्जत के साथ छोड़ के आओ। लिट्टी देवी, कोनो दिक्कत हो तो हमरा के बताइए हो,
जा सरकारी गाड़ी से जा चले जा। हाँ कौन दिक्कत हो तो बताइए। तुम्हारे स्कूटर में फटफट रही है क्या कला? मेरी स्कूटर 1971 में ली गई जब किसी के पास नहीं था। ओके 71 71 में खरीद ले रहला और आज तक फटफटा रहल बड़ो। व्हाट फटफट आज ले तहार ब्याह ना भइल त एकने लोग के देख के तहरा जलन होता का इनके देख के ना भड़कत है ससुर का है भड़कत नाते है कि जगह की और कहो के कर हा यो लिट्टी कहो सुन ना अगर त लिट्टी के लेके आ जाते ना। अच्छा लिट्टी यहां आके का करे? अरे सारे तोरे दक्षिणा के प्रबोन तोरा दारू और मुर्गा दोनों मिल जाए। अच्छा हां जाई हो चले जाओ पटाइल रहा पटाइल हम अभी जाते हैं। कुत्ता बिलाई के ब्याह हो गए पता ना हमारा सरकार के ब्याह कब हो। हां हां हो जाए। अरे
माता जी प्रणाम 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 बैठे 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 जी आई ना आई 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 बैठे 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 बैठा लिट्टी भौजी लिट्टी भौजी अरे चला सामूहिक विवाह में न्योता बा अरे चटनी विधायक जी याद करता रे अरे चोखा अरे का हाल बा सब ठीक बा सोखा तू हम भी ठीक बानी सुना ना वो लिट्टी भौजी के भेज दिया भाई सामूहिक विवाह में न्योता अरे बिल्कुल बिल्कुल ठीक बा ठीक 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 कहाँ भूत लिट्टी के घर में लिट्टी के घर में अरे दंड बैठक पहले तो के रोज भूत दिखाता उधर फटे में देख रहा है ना जमींदार जी हम अपन मोल माई के लिए खा के कहता नहीं चौका के भूत ओकरे घर में बा ना लेकिन तो खुद चल के देख ले लो भगवान सुखा होके फिर से देख ले लो उसका तोरे मोल माई के लगे भेजब हम अगर गलत निकलल तो मार दिया हमरा गोली मार दे हां गोली मार दिए ठीक बा चल 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 लेतुर पांडे हम देख के बता नहीं तू तब तक व्यवस्था देखा ठीक बा फॉलो मी चला 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 हमरा के लोकला हां आज दूध का दूध पानी के पानी हो जाए रुक 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 लो ये हमार घर हवे कोनो धर्मशाला ना हां हां बिल्कुल 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 धर्मशाला ना आज हम तो लोग जूता से मारब हमार दिमाग फेल कर देले हवा क्यों घर में घुसबा चला वापस हां फैसला कैसे होई अच्छा अभी चेक करे के पड़ी लिट्टी जी ये सब जाहिल गवार गांव के जब आट लोग हैं इनने कमन में फितूर आ गए हो तो चक्कर ले बदनु हां चटनी हां तोरा हमरा पे भरोसा नहीं खे नहीं खे सब हमरा के भरोसा नहीं हमरा भरोसा हो एक काम करी का हां हम जाके चेक कर ली हां हे भगवान अब कैसे रुके ठीक बा लेकिन हमो चलब हां चला ना चलो ना हमो चला कैसे लगते करी हां हम देखनी है ए लिट्टी जी यूं का चला दो हां हां चल सोखा केने बा ए यही पे पेलत रहले दन बैठक पेलत रहले हम आनी तो हमरा साथे कुश्ती लड़के चाहत रहले ओकर बाद हम जान बचा के मतलब अरे तो जमीनिया खा गई केने बा चोखा अरे आवा तू हाथ हो जाए चोखा नहीं खन्ना अब चल चलो 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 ना बिना तना से लिए मत जवा जवान जमींदार की अरे माई की रे खा के कहता नहीं तू अपना घर में बा तय मरबे कोनो दिन हमरे हाथ जा अंदर देख के आओ अच्छा हम चेक करत हैं चोखा ए चोखा 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 आवा पागल है तू चोखा ए हले जाके देख चोखा अरे आवा भाई बड़ा बदमाश देखा बेइज्जती मत करावा यार चोखा चल नीचे उतर उतरा रहते अपन आए गढ़ा तो के ऊपर बता देती नीचे उतर नीचे आ नीचे आ चोखा हमके फेर दे देला धोखा पगले कहीं हेरा ये काटब कौन दिन तोके बता दे थई अरे रहे हो जितना करिया हवा ना उतना गोर तोके बना दे बता दे लुका छुपी खेला था लुका छुपी खेला था हम कहत रही ना चोखा नहीं खे एकदम रो के तुम पे विश्वास ही नहीं खे अरे लट्ठी जी कैसन बात करत नी रहुआ पे विश्वास ना करब त के करा पे विश्वास करब हम पड़ गए नी है भूतिया के चक्कर में अरे ना विश्वास कर आंख फोड़ डरब चुप रहतो बोलो मत लट्ठी जी सॉरी चल भर चल 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 बारे आई आई जी आई
तू आवा सारे तो के बताओ थी। चल। अरे कहाँ चल गए ले? कहाँ? मिल। ना मिलल। आओ बेटा आओ। रहे हो? हमारा गांव को शोभा हवा तू। हम जीवन में बहुत फूतिया देखनी, लेकिन तो से बड़ा फूतिया ना देखनी। अरे रहे वो पता नहीं कहाँ लुका गई। लुका गई ना? तू हवा ससुर लतखोर, बिना लात खाए तो हर बुद्धि खोले लेना, एना तो हर लात खा बा जरूरी। लट्टी जी सॉरी। हे भगवान, ये कहाँ चल गई ले? ए जी कहाँ वाली रहो? जालू कागनी उ सोखवा देख लेला सो। अच्छा ठीक बा, नीचे आए। अरे ना ना ना, ऐसे से नहीं, चोट लग जाए, सीढ़ी से आए। अच्छा संभाल के, गड़बड़ ना होई, संभाल के। रवा ठीक तो बानी? हाँ हम ठीक बानी। ये सब कहा रवा, सब प्लान करे नहीं और रवा सबके सामने आ जाता नहीं। केहू रवा के देख ले तो हम का करती? उ तो देखिए ले लो सो, देख काली भइल ह काना। हां जी हम कसरत करत नहीं त ले चोखा। हमार चोखा बेटा, तू जिंदा बाड़ा? हाँ माई, हम जिंदा बानी। माई यहाँ के जिंदा बानी केहू से बताई मत, लेकिन का है अगर उन लोग के पता चल जाए कि ये जिंदा बानी तो हमके मुआवजा के रकम ठुकरावे की पड़ी और बैंक वाले भी हमने के परेशान करे लगी है। हाँ माई ठीक बा, तू लोग जैसन कह बना हम वैसन करब। ठीक बा माई, हमरा लिए तो ये काफी बा कि हमारे लड़का जिंदा बा। हम काले जमींदार के पास जाए और बैंक के लोन खत्म कराए। ठीक बा, चल चल आओ आओ। जमींदार साहब, गांव के सारा चापाकल रहुआ काहे उखड़वा देनी? अच्छा? कम से कम एक तो रह देती हमनी लोग के पानी पिए खातिर। तहार बाप दादा कुआं का पानी पियत रहलन हो, आ तू सरो पीबा चापाकल के पानी मुंह देख ले आवा अपन। ए छोटे, हमनी के एको खुशी ना देखल जाला इनसे। मारो बे तहार सरकार, लिट्टी देवी भी आज काट के। लिट्टी जी नमस्ते। रहुआ काहे तकलीफ कैनी हो? हाँ कितनी बेर कहनी, जब आवे के होके कोनो तकलीफ होके तो बताई, गाड़ी भेज दे, देखी धूप से रंग उतर गल हो एकदम। ना जमींदार जी, पैदल चले तो स्वास्थ्य खातिर फायदेमंद होला। ओ मुनीम जी, सरकार लिट्टी जी का विचार देखा, उत्तम विचार बा सरकार। कैसी आईनी है रउआ? ओ जमींदार जी, कलेक्टर साहब कहले रहले ना मुआवजा की रकम जल्दी मिल जाए, अभी तक कुछ पता ना लागल। ओ मैडम जी, सरकार पता ना लगा। अरे जो हले आई सरकार, प्याज काट के। भागो तुम लोग, आई लेटी जी। अरे चलो चलो, हम कितनी बेर कह रहे, जब भी कहीं जाए के रहे तो चुपचाप संदेशा भेजवा दी, हम गाड़ी लेके आ जाए। बताई चल, चक्का खड़ा हो तू, चक्का खड़ा हो, कौन देख खादन के करे काम आई? जख भी दिल मेरी गाड़ी खड़ी है। आई का भाई है? पड़े रे पड़े जाओ भाई, का घूमता हुआ तो तबीयत खराब हो, डॉक्टर बुलाई। आई लेटी जी बोली कुछ है? लेटी जी उल्टी भाई मनीम जी, सरकार लिट्टी देवी की तबीयत खराब होगा सरकार, कौन और प्रॉब्लम अभी आज काट के और प्रॉब्लम मतलब जमींदार जी
कहो जमींदार साहब। मतलब सरकार रउआ तो सीधा छक्का मार दे ले बा। ए सरकार, अरे खुशी का माहौल में दुखी काहे हो रहल बानी। अरे भक्षोन हर यहाँ दिमाग फाटल जात हो। अरे हम लिट्टी देवी को छुआ बहु ना कहनी त कैलेंडर कौन छाप दले तुरे कौन सरवा जाना था। रुदितिया का हो वो माटी लगाओ ना चटनी सिंह वो विधवा लिट्टी के भी ना छोड़लस पाँव भारी कर देलस। का आज चटनी के चटनी बनाई तू कब हो जमींदार कम से कम विधवा के छोड़ देले रहता। सरकार आज बुझाता चटनी के चटनी पिसा गई। देवियों देवियों माता जी काली माई दुर्गा माई हम कसम खा के कहता नहीं हमार लड़का ओकरा पेट में नहीं की। अरे हम ओकरा के छुबो ना कहनी भगवान कसम खा के कहता नहीं। ये तो लात के भूत है बाप से ना मानी। ए जी कहने बानी का भाई एगो जरूरी बात करे के बा। का बात बा? हम सोचते रहने की दो चार दिन में कलेक्टर से मिलके मुआवजा के रकम ले ले और ओकरा बाद ई खेल जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन अब लगता कि ई पोल हमने के खोले के पड़ी कि रवा जिंदा बानी। देखा ऐसा कुछ मत करिए अभी आधा काम भइल बा आधा अधूरा बा अगर कुछ भी गड़बड़ करबू ना तो सब पे पानी फिर जाए। लेकिन रवा नहीं के जानत ई गांव भर में हल्ला हो गइल बा कि हम माए बने वाला बानी और तरह तरह की बातें करता लोग। अब लोग के बात में पड़बू ना तो केहू तोरा के खाए के ना देला समझ गेलू ना कि दुनिया बोलते रहे बस थोड़ा दिन और जैसे खत्म हो जाए पैसा आ जाए ओकरा बाद हम खुदे खोल दे। अरे निमत से लगा हाँ 50 साल ही कहले हैं कि सरकार बाहर के खाना जन खाएं घर के खाना खाएं और देखिए मेरा पेट खराब हो गया झोल धरले पड़ी से बेरा। नमस्कार जमींदार साहब। क्या हाल है डीएम साहब? कलेक्टर आवा कलेक्टर कलेक्टर साहब आवा तोहरे जरूरत रहे बैठा 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 हट रे रउआ कांड कर देनी ना का तय भइल रहे कि लिट्टिया के जे पहले पटाई वो पहले भोगी रउआ तो प्रेग्नेंट कर देले बानी। बाप रे बाप इतना साथी आदमी हम देखनी ना कुल कांडा पुनः कैलेस गेम अपना बजा के पेट फुला दे जब बानी आ कहता हमके। अरे हम ना कहनी तू कहना हा जमींदार साहब अपन पाप हमरा सर पे ना मढ़ी। अच्छा हम पाप कहनी हा। अरे भगवान कसम खा के कहत अपनी जमींदारी का हम क्रिया खा के कहत हम अब अहिले लिट्टी के छू ना पैनी ठीक से तो लइकवा कहां से जाई पेटवा में। हम बजरंग बली है जो हमारे पसीने मसला लिका पैदा हो जाई। रउआ छूनी ने? हां छूनी 100% सच बोल रहा हूं 2000% कहत नहीं भगवान देखत हवा मार के कुल बना देने भूसा हमके। ए जमींदार साहब जब रउआ ओकरा के छूनी ना हम कुछ कहनी ना तो ओकर पेट में बच्चा के कर बा चोखा के चोखा की इके कहले हां आए चोखा की ओ मुआल ना बल्कि जिंदा बा और गांव अच्छा। वाला के साथे साथे तोहनी लोग के भी भूतिया बना रहल बा। भूतिया बना बा सारे दोस्त से बड़ा भूतिया तक देख लेना। अरे पूरा मारे अरे मारे जब देखा तब आई कभो कहीं घरे में हो कभो कहीं खेते में हो। मनेम जी सरकार चारों तरफ से दरवाजा बंद करो और एम्बुलेंस बुलाओ ठीक है। आज हम इतना मारब कि जरा बेहोश होके जाई एकरा के कोमा में पहुंचा देबे। अरे जमींदार जी हमरा पता रहे कि तोहनी लोग हमरा बात पे विश्वास ना करब तो आज हम सबूत लेके आयल बानी। सबूत है देखा हम तो सोचत रहनी कि चोखा के भूत लेकिन चोखा खुद जिंदा बा देखला का गुल खिला रहल बा तोता मैना। अरे लिट्टी देवी अरे मोरी भैया रे भैया देख लेला जमींदार जी ए सोखा टूट जा बेटा मिला वजह हम तो के मरनी हो। ए ए कलेक्टर साहब ए देखा देखा देखला देखला तोता महीना के प्रेम के नतीजा आ गई। लेकिन एगो बात ही बताओ इस शहर के हम काहे करत हो हमारे साथे इतना भाग खेल पति पत्नी मिलके दोनों काहे खेलना हमारे साथे।
समझ गई नहीं आई मुआवजा खातिर अब अपन जमींदारी संभाली चटनी सिंह जी संभाली मुआवजा खातिर मुनीम जी सरकार एकरम माही के लायकी आवो मुआवजा खातिर सारे हम हटाड़े मुझ कुल काली करवा देला हां सरकार मुनीम जी हां सरकार हमार भाई मिर्चा सिंह के फोन लगाओ हां और बताओ अच्छा यह जोकर बहुत जरूरत हो ठीक बा सरकार पति पत्नी दोनों के पकड़ के लाओ सामूहिक रूप से शरण कर नंगा करके ना मरने तामर राम यज्ञ सिंह ना अरे लिट्टी देवी जी आप कौन अरे हम आपके नए फैन ले जा रहे के अरे माताजी रुक रुकी जरा रुकी माताजी शांति रखी माताजी अपने लड़का से कह दियो अगर मेहरारू जिंदा चाही तब पुरन के मिल पर आ जाई समझू मरत मेहरारू मिल के बड़ा खतरनाक खेला लेकिन शायद तोहने का ही ना पता कि खेल में हम तोहने का बाप है देश के सबसे प्राचीन हकदार हैं हम बना दिया दलित हमको थे कभी सरदार हम लेकिन आज तो उन्हीं लोग के दलित के सरदारी देखे के जरूर मिले हम दिखाई रे तू तुहारू मरद चौखा आज गांव से लिट्टी चोखा के नाम हमेशा खातिर मिटा दे ए दरोगा लिट्टी चोखा गरीबन खातिर से भोजन ना जिए के आधार हम और जान चीज गरीबन के हित में आवेला ओकरा के दुनिया से केहू मिटा ना सकेला अच्छा तहनी लोग अब सिर्फ अपना जीवन के बारे में सोचो काहे कि वो चंद घंटा में खत्म होके वाला बा खत्म के खत्म करी रे ओ जे मुंह खोलेला तो शेर की बोली बोलेला मैं विजय कुमार ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा जब चलेला तो चीता भी अपना चाल पर शर्मा जाला मैं प्रशासनिक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा Hey!
लहसुन अने सुन सॉरी सर। कानून के वर्दी पहने वाला आदमी जनता के रक्षक होला, भक्षक ना। हेलो क्या कर दल रस्सी काटत रहनी भैया। रस्सी भैया, अब हम सोचने की पाप ना करे कहो। हम लिट्टी के कितना ध्यान रखते रहनी भैया। हाँ सर, जी सर, हाँ सर, जी सर, जयंत सर, जी सर, सर सर। अरे गांव के जे कुल भी आवलन रहा और गोड़ पकड़े ना, ऐ चकवा दूर से प्रणाम करता था। रस्सी काटत रहनी के ऑर्डर ऑर्डर केस नंबर 325/20 चटनी सिंह बनाम सीबीआई, कार्यवाही शुरू की जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या आपके पास कोई सबूत है इनके खिलाफ? और यदि सबूत है तो उसको आप अदालत में लाइए, उसको पेश कीजिए। हाँ सही बात, सबूत है जज साहब, ये रहा सबूत। दलितों और किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन पर आपको बांदा जिला के जनपद ग्राम जौरही जाना है। थैंक यू सर, आपने मेरा पहला मिशन और मेरे गांव से ही शुरू किया। बचपन में मेरे गांव में मुझे लोग चोखा बुलाया करते थे। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अछूत रखूंगा, इसीलिए इस मिशन का नाम हम चोखा रखते हैं। सर मैं बिहार से हूँ और लिट्टी चोखा बिहार में बहुत फेमस डिश है, तो क्यों ना चोखा के साथ लिट्टी को भी ऐड कर दिया जाए और इस मिशन का नाम लिट्टी चोखा रख दिया जाए। ला 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 लिट्टी। मैं पिछले 2 साल से इस केस पे काम कर रही हूँ, आपको इस केस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको दूंगी। लिट्टी देवी, लिट्टी इतना लिट्टिया। हाँ सरकार। माय लॉर्ड, इन लोग के सारे गुनाह इस फाइल में कैद हैं। सर लिट्टी शट अप। जितना चाहो से तू हमरा मुआवजा के काम में लागल बाड़ा, उतना चाहो से बसमतिया के मुआवजा कहे ना दिया उला। बड़ी तेज बनत रहनी, कितनी बेर कहनी आओ, मरवा देनी, लटकवा देनी। जज साहब, इसमें एक और भी वीडियो है कलेक्टर साहब का। अरे सच्चाई हमरा से न सुना। जमींदार साहब के पूरा दलित बस्ती पर दबदबा बा, तब मुआवजा के राशि जितना आवेल है आधा जमींदार साहब रख लेवे ले, आधा हम रख लेवे नी, करोड़ों कमेले बनी। बड़े बहादुर। और किसी को कुछ कहना है? हाँ जा साहब, आपको जो कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। या सारे जी माय लॉर्ड, मुझे नहीं पता कि देश का कानून इन्हें क्या सजा देगा, लेकिन सिर्फ इन्हीं को सजा दे देने से देश में कुछ नहीं बदलेगा। इनके जैसे आज भी दरिंदे हर गली हर चौराहे हर शहर में बैठे हैं। जज साहब, ये लोग ये भूल जाते हैं कि किसान खून पसीना बहाकर अन्न उपजाता है तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। हर आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता, कोई किसान बनाना नहीं चाहता। जानते हैं क्यों?
चंद ऐसे अफसरों के वजह से, इनके वजह से किसान खेती छोड़ रहे हैं। इस देश में हर दिन लगभग 2000 किसान खेती छोड़ रहे हैं, हजारों आत्महत्या कर लेते हैं, और जो बच जाते हैं इन जैसे दरिंदे उन्हें मार देते हैं। लेकिन जरा सोचो, बेटी को मार दोगे तो बहू कहां से लाओगे, और किसान को ही मार डालोगे तो रोटी कहां से खाओगे। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोपी चटनी सिंह, मिर्चा सिंह, कलेक्टर आचारी लाल और दरोगा लहसुन पांडे ने गुनाह किया है। सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये अदालत इनकी सारी संपत्ति को जब्त कर किसानों से हड़पे गए मुआवजे को वापस करने का हुक्म देती है। इन्होंने मुआवजा वापस कर दिया है जज साहब। अरे हम कब कहीं नहीं। हाँ, अरे रे बाबा, ये रहे इनके दस्तखत किए हुए कागजात। इन्होंने इसमें लिखा है कि मेरी सारी संपत्ति नीलाम कर और गरीबों से हड़पे हुए मुआवजे हम अपनी खुशी से वापस दे रहे। कब हम कब लिख दे नहीं हो। अरे मुंह दिखाई में जन कागजवादी आई रहे आए। आज काटते हम तो एक तेल रहनी हो। तो अरे नानी के कागज रह जाओ, उनते तेल हाथ तू साइन करवा के देते हला। चरित्रहीन आदमी, नानी पे मत जइए ना तो जेल में नानी याद दिला दे। ऑर्डर ऑर्डर, द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आज हमरा के अपना कोख पे गर्व हो रहा है कि हम तोहरा जैसा लड़का के माई थी। सर क्या फैसला हुआ? सत्य का जीत हुआ, अहिंसा का जीत हुआ, देश के गरीब मजदूरों का जीत हुआ। एक्सक्यूज मी, नो कमेंट्स, नो मोर क्वेश्चंस। सर हमारे देश में अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, हम सरकार के मुलाजिम हैं, सरकार हमें जहां भी भेजेगी हम जरूर जाएंगे। सर आपका अगला मिशन क्या है? देखिए, हमारा जो भी मिशन होता है हम किसी और को नहीं बता सकते। ये सरकार का फैसला होता है और हमें परमिशन नहीं है आपको बताने की। थैंक यू, थैंक यू। विजय, पत्नी के नाटक करत करत पता ना कब तोरा से सच में प्यार हो गए। प्यार तो हमरो हो गई बतो से कतो के भी सच में। कहाँ भाई? अरे केला ले ले, ले केला, केला ले ले, एक केला। हे भगवान, इनकर ही भूले की आदत, लगा था हमरा प्यार के भी एक दिन भुला जाइए। उम्र मेरा जब से चढ़ गया, जरा फूल झड़ी क्या हुई मोहल्ला माचिस को गया। जरा फूल झड़ी क्या हुई मोहल्ला माचिस को गया। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।